अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 70 तक और हमारी ये कोशिश होगी कि वो क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग हैं उनकी रीज़न भी प्रोवाइड की जाए ताकि हम अथेंटिकी तक पहुंच सकें फर्स्ट क्वेश्चन है समथिंग अर्स टू एक्शन स्टिमुलस है स्टिमुलस इज़ नेसेसरी इन क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग में री इन्फोर्समेंट नसेसरी है आई क्यू ऑफ एंड एवरेज टीचर इज़ वन फिफ्टी यानी टीचर्स का जो बेसिकल क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था कि टीचर्स का जो एवरेज होना चाहिए वो वन ट्वेंटी है आई क्यू द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू रीट डू थिंग्स इज़ अब इस पर कुछ लोग कंजर्वेशन बोल रहे थे लेकिन कंजर्वेशन एक डिफरेंट टर्म है आप इसे पॉसिबल है कि वाकिफ हों लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली आप बच्चे के सामने एक बॉटल में पानी रखते हैं और वही पानी जो है उतना ही एक दूसरे बर्तन में जो चौड़ा है लेंथ में कम है अब उसमें रखते हैं तो बच्चे से अगर आप पूछें कि बेसिकली पानी किस में ज़्यादा है तो वो लेंथ वाले में बोलेगा कि ज़्यादा है यानी बच्चा सिमिलर प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि दोनों में सिमिलर है पानी की मकदार और लेंथ वाले को ज़्यादा बोल देगा तो जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है इसको अंडरस्टैंड करने लग जाता है इट मीन्स कि उसमें ला ऑफ कंजर्वेशन या कंजर्वेशन आ गई है प्रोसेस की लेकिन इमिटेशन क्या है कि आप एक प्रोसेस को इमिटेट कर सकते हैं रिपीट कर सकते हैं सो so इसका बेस्ट आंसर इमिटेशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू साइकोलॉजी होता तो बिहेवियर या ह्यूमन बिहेवियर लेकिन जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है दैट इज़ लर्निंग प्रोसेस फिफ्टी सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलाई ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियरिज्म द हाइस्ट लेवल ऑफ मेस्लोज थ्यूरी इज सेल्फ एक्चुलाइजेशन हु इज पाइनियर ऑफ ह्यूमनिज्म मैस्लो सोक्रेटिक मैथड इज कार्ड क्वेश्चन आंसर मैथड और डायलैक्टिक मैथड भी वो जो पहले हमने डिस्कस भी किया था कि लोग उसको शायद प्लेटो का इंट्रोड्यूस्ड समझते हैं लेकिन वो सुकरात का है पाकिस्तान इज सिग्नेट्री एंड कमिटेड टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल नंबर फोर है जे सिक्सटी वन द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ़ नॉलेज इज एफ द बेस ऑफ एवरी एजुकेशन सिस्टम इज़ आइडियालॉजी ऑफ नेशन विच फिलासफी इज बेस्ड ऑन रिलीजन अब यहाँ पे क्योंकि पहले कुछ जो लोग हैं वो इसको प्रीनलिज्म भी कंसिडर करते रहे हैं लेकिन आइडियलिज्म है क्योंकि आइडियलिज्म में बार बार ये कंसेप्ट आता है कि गार्ड ने जब इस दुनिया को पैदा किया तो कोई माइंड में आइडिया था सो दिस इज़ द कापी ऑफ दैट वेरी आइडिया और आइडियलिज्म फिलसफी में मैंने इस चीज़ को बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया है आप उसको सुनेंगे तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी सो आइडियलिज्म इज़ बेस्ट आंसर करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी ए टीचर शुड स्टार्ट ए लेसन विद विद अब टीचर को लेसन स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए तो उसको प्रीवियस नॉलेज से स्टार्ट करना चाहिए यानी आप बी एंगे टीचर अगर इंटर होते हैं क्लास में तो आप क्या करेंगे कल हमने क्या पढ़ा था और उसके बाद टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे लेकिन अगर वो लेसन प्लान है तो आप टॉपिक से स्टार्ट करते हैं ठीक है सो so इसका जो बेस्ट आंसर है दैट इज प्रीवियस नॉलेज सिक्सटी सिक्स स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक मेयरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड द न्यू करिकुलम शुड भी इंट्रोड्यूसड ग्रेजुअली चेंज जो करना है दैट इज़ कंटिनसली चेंज होना चाहिए और जो इंट्रोड्यूस करवाना है दैट शुड भी ग्रेजुअली और आप ये देखते हैं कि जैसे ही करिकुलम जो है वो चेंज होता है आप उसको मतलब न्यू करिकुलम जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो हमेशा हंड्रेड परसेंट चेंज नहीं करते मैक्मम अगर चेंज करना हो तो ये कहा जाता है कि ट्वेंटी परसेंट चेंज करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको ग्रेजुअली बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाएँ इकबाल्स अलाहाबाद एड्रेस वॉज इन नाइनटीन करिकुलम इज़ ओवरऑल एक्टिविटीज़ इन स्कूल द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ स्ट्राइक सो दिस इज़ ऑल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसकी की जो रीजनस हैं वो ऑथेंटिक लगी हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें थैंक यू वेरी मच